आज 21st, अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो देखा है तो आपको पता है कि मेरा फैमिली ट्रिप चालू हो गया। आज 25 डेज का ट्रिप है केरला और उसके बाद और भी जगह, तो होप करता हूँ कि डेली व्लॉग कर पाए। एक 10 से 12 वीडियो तो पक्का ये अपलोड करूँगा। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि डेली उसको अपलोड करूँ। और अब 9:30 हो गया है, प्लान के हिसाब से 8 o'clock को निकलना था। मेरे को वोटिंग करना था, आज वोटिंग हो गया और उसके बाद निकले। मैं है, मेरा वाइफ है और मेरा बेबी है, और मेरे साथ में मेरे दो दोस्त लोग भी हैं जो कल आए थे घर पे, तो उनको मैं अभी छोड़ूंगा। ये लेस्ली और उसका वाइफ। होप एंजॉय करें आगे का वीडियो। 11:45 एक्चुअल ट्रिप अभी स्टार्ट हुआ है, क्योंकि सब जो भी बीच में कुछ लेना था वो सब ले लिया है। अब हम लोग खारघर पहुँचे। खारघर का जो पुराना टोल नाका था जस्ट वहाँ पे ही पहुँचे। फ्रेंड्स थे साथ में, उनको छोड़ना था, छोड़ दिया। सब काम ख़त्म करके अब हम पूरा ट्रिप एंजॉय करने के लिए स्टार्ट किया। आज का जो ट्रिप का प्लान है वो है बदलापुर से लेके धारवाड़ का है, धारवाड़ हुबली। करीब अभी गूगल मैप के हिसाब से करीब 550 किलोमीटर्स बता रहा है, अराउंड 9 o'clock बता रहा है। तो फिर 10:30 तक लंच ब्रेक भी तो रहेगा, 10:30 तक पहुंच जाएंगे ऐसा लग रहा है। मैं फर्स्ट टाइम फास्टैग लेन से जा रहा हूँ। फास्टैग है, देखते हैं चलता है क्या। अगर फास्टैग चल गया तो मुझे टोल का थोड़ा इजी पड़ेगा कैश हैंडलिंग, देखते क्या होता है। एकदम फटाफट सा था, बहुत अच्छा लगा। अब मैं आगे अभी रिचार्ज करके रख सकता हूँ। हम अब पूना के ऑलमोस्ट आगे पूना ख़त्म हो गया। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे होटल कोल्हापुर है, श्री कोल्हापुर है। लास्ट टाइम आया तो न्यू ओपन हुआ था फुल फैमिली के साथ, तभी हम लोग खाए थे। हम भी ट्रिप के टाइम पे यहीं पे खाना खाया था। तो इस बार बिंसी को वही बोला कि एक बार ये होटल ट्राई करते और देखते पसंद आता है नहीं आता है। मेरे को तो पसंद आया था लास्ट टाइम।
वसूल हो गया, ज़्यादा महंगा भी नहीं था। इसको ले लो, इसको ले लो, खाली 625 रुपये हो गया। अच्छा खाना था, टेस्टी था, सेकेंड टाइम रिपीटेड है, रेकमेंडेड है। होटल का लोकेशन देखूँगा, ट्राई करता हूँ, अगर मिल गया तो लिंक पे डाल देता हूँ। ये होटल कोल्हापुर, ये आपको बोर्ड दिखेगा, काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है। ये सेकेंड टाइम खा रहे हैं हम लोग, लास्ट टाइम भी अच्छा था, सर्विस बहुत अच्छा था, इसके लिए रिपीट किया। ट्राई करना है कभी तो। फास्टैग का नया एक बोर्ड लगा था वहाँ पे, फ्लेक्स प्रिंट हुआ था, लिखा था कि नाउ फास्टैग कंपलसरी फॉर टोल पेमेंट। और आज ही मैंने क्रोम के ऊपर अपना गूगल पे एक मेल आया, अपना लिंक देखा था, उसके ऊपर लिखा था कि अगर तो आपकी गाड़ी पे फास्टैग नहीं है तो आपको 5 times पे करना पड़ेगा, ऐसा कुछ लिखा था। इतना अच्छा घाट, घाट पे इतना अच्छा रास्ता निकल जाना चाहिए, बट ये देखो क्या हुआ। ट्रैफिक, क्या हुआ है, ट्रैफिक। ट्रैफिक हुआ है, क्या रीजन है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 5:10 सातारा पहुंचे, अभी सातारा में चाय ब्रेक, तो मूड हुआ मिसल खाने का, क्योंकि मिसल फेमस है यहाँ पर। तो ऑलिव रेस्टो, छोटा सा एक रेस्टोरेंट, अच्छा है, खाते फिर ज्वाइन करता हूँ। नाश्ता नहीं खाना चाहिए था, बहुत बकवास था मिसल। इससे अच्छा मिसल तो बदलापुर का है, नीलकंठ मिसल, तो बहुत अच्छा है। तो उसके सामने तो ये सब मिसल तो बहुत बकवास था, एकदम पैथेटिक। कॉफ़ी भी बराबर बनाना नहीं आता, बहुत मीठा बना दिया था। हत्तरगी टोल प्लाजा अराउंड अभी 8:21 हुआ है, एंड हम लोग अभी हत्तरगी टोल प्लाजा जो कर्नाटका में है, और आज का ये राइड कंप्लीट करने के लिए और 131 किलोमीटर जाना है, जिसके लिए 2 hours 12 minutes बोला हुआ है। फिलहाल तो अच्छा चल रहा है, बेबी सो गई है एंड वाइफ जिंदा है अभी तक। चलो कंटिन्यू करते हैं। होटल गोवा गेट, ये हम लोग हम्पी ट्रिप के टाइम पे चाय पीने के लिए रुके थे यहाँ पे। अच्छा होटल था, तो अच्छा होटल मतलब खाली चाय के लिए था, मलयाली रेस्टोरेंट है तो एक प्रेफरेंस। जीरो विजिबिलिटी, लिटरली जीरो विजिबिलिटी। चल रहा है अब, और 108 किलोमीटर जाना है, 11 बजे का अराइवल टाइम दिखा रहा है, 9:15 हो गया है। चाय पीने के लिए रुके थे हम लोग, बट वहाँ पे गया तो केरला रेस्टोरेंट था, तो वहाँ पे परोठा अवेलेबल था, तो परोठा खा लिया, हल्का सा पेट भर दिया है। बट अभी बाकी का अगर भूख लगे तो होटल के एरिया में पहुँच के
फिर डिसाइड करेंगे खाना है नहीं खाना है। आज का टारगेट तो होटल पहुंचना है। हम लोग पहुंचे हुबली हंस होटल में, अब रूम में जा रहे हैं। ये देखो बैटरी खत्म हो गई। इतना अच्छा लॉबी है, रेस्टोरेंट। कल नेक्स्ट ब्लॉग में आपको इस होटल का टूर दूंगा, बहुत मस्त होटल है। इतना मस्त, ये देखो स्विमिंग पूल सब है। बारिश की वजह से थोड़ा मेस्ड अप है, काफ़ी अच्छा डील मिला हुआ है। ओयो எடுக்கா 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 ரூம் டூர் தேக்கலோ, இத்தனை அச்சா ரூம் மிலா ஹுவா ஹை, डे वन का ब्लॉग यहाँ पे एंड होने जा रहा है। तो साइन ऑफ करना था और एक अर्जेंट न्यूज़ भी देना था। न्यूज़ ऐसा है कि केरला में हैवी रेन चालू हुआ है आज सुबह से, और अभी का खबर के हिसाब से शाम को बारिश नहीं हुआ है, बट केरला में रेड अलर्ट ऑरेंज अलर्ट दे चुका है 7 डिस्ट्रिक्ट्स में। तो जो रास्ते से मुझे जाना है, एर्नाकुलम टच करके जाना है, तो वहाँ पे सब पानी ऑलरेडी भरा हुआ था, जिसकी वजह से कुछ इश्यूज हो सकता है। तो अभी कल मॉर्निंग में डिसाइड होगा कि हम लोग कल का दिन क्या कर रहे हैं। अगर कुछ नहीं हुआ तो हम लोग एक दिन का ब्रेक लेंगे, यहाँ पे कुछ रहेगा आसपास तो एक्सप्लोर करके लेंगे, नहीं तो हम लोग यहाँ से कल रवाना हो जाएंगे। यहाँ से रवाना हो जाएंगे कोझिकोड के लिए, कैलिकट के लिए। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। अभी एडिटिंग करना बाकी है, सब ट्रांसफ़र करके हो गया, अभी एडिटिंग बाकी है मेन पार्ट, वो सब करके अभी थोड़ा सोना भी, अभी ऑलरेडी 1 बज गया है। देखते जितना जल्दी ये ख़त्म हो जाएगा उसके बाद सो जाएगा। डे वन का टास्क अगर चैलेंज अगर कंप्लीट करना है तो मुझे वो करना पड़ेगा। तो ट्राई करता हूँ, जितना कर सकता हूँ करूँगा। सो गुड नाइट अभी के लिए, और स्टे ट्यून्ड, आगे और व्लॉग्स आता रहेगा, बहुत सारा कंटेंट रहने वाले ये सीरीज़ में जो केरला सीरीज़ है। लाइक द वीडियो, शेयर, सब्सक्राइब करो। जो भी सब्सक्राइब नहीं किया है, खाली वीडियो देख रहा है, उन लोग को भी रिक्वेस्ट है मेरे तरफ से कि सब्सक्राइब करो। आज वैसे आज का वीडियो का रिस्पांस बहुत अच्छा लगा मेरे को, मैंने उम्मीद नहीं किया था उससे अच्छा, बहुत फास्ट रिस्पॉन्ड किया, कुछ सब्सक्राइबर ग्रो भी हुआ उसके अंदर आज। तो एंजॉय करते हैं, कल का ब्लॉग के लिए वेट करते हैं। आज का ये एडिटिंग सेशन कंप्लीट कर देता हूँ और फ्री हो जाता हूँ, गेट बैक टू स्लीप। कल सवेरे उठा हुआ है तो अभी ताकत तो खत्म हो चुका है। कल मिलते नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।